हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक स्टडी पॉइंट। सो इस वीडियो में हम एक और पजल डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं इस पजल में क्या दिया हुआ है। 10% से ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस टी हैव बर्थडेज इन डिफरेंट मंथ्स जनवरी मार्च अप्रैल जून एंड सितंबर, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। देयर बर्थडेज आर ऑन टू डिफरेंट डेट्स 22 and 28 ऑफ ईच मंथ। सो हमें क्या दिया गया, 10 हमें फ्रेंड्स दिए गए हैं, उनके बर्थडे होंगे अलग अलग मंथ में होंगे। हमने मंथ कौन कौन से दिए गए हैं, जनवरी मार्च अप्रैल जून जुलाई जून और सितंबर। तो हमें 5 मंथ दिए गए हैं और 5 मंथ की दो दो डेट्स दी गई हैं, 22 और 28 जिनको इनका बर्थडे होगा। तो देखिए इसको कैसे नोट करना है। पहले हम मंथ नोट करेंगे, तो जनवरी मार्च अप्रैल जून और सितंबर, तो ये हमारे मंथ नोट हो चुके हैं। उसके बाद देखिए हमें क्या दिया गया, हर एक मंथ में दो डेट्स दी गई हैं, तो देखिए इसमें कितनी होंगी, 22 and 28। एक इसकी जगह और बना देते हैं, 22 and 28। तो ये हमारी नोट करने के लिए जगह बन चुकी है। तो देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, तो चलिए देखते हैं आगे हमें क्या कंडीशन दी हुई है। देखिए देर आर टू बर्थडेज आफ्टर द बर्थडे ऑफ बी, सो बी के बर्थडे के बाद कितने बर्थडे हैं, दो आएंगे। तो देखिए बी यहाँ पे आएगा तभी दो आएंगे, तो बी आ गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए मैं क्या बोला गया, देर आर टू बर्थडेज बिटवीन द बर्थडेज ऑफ बी एंड डी, सो बी और डी के बर्थडे में दो बर्थडे आएंगे। देखिए अगर इस साइड एक दो छोड़ के डी आ नहीं सकता, तो एक दो छोड़ के डी यहाँ पे आएगा, तो ये भी हमारी कंडीशन नोट होगी। देखिए उसके बाद ए एंड टी है बर्थडेज इन मार्च, सो जो ए और टी का बर्थडे है वो मार्च में आएगा। तो इसको देखिए कैसे नोट करते हैं, एक इसमें एक को इस साइड रख लिया, टी को इस साइड रख लिया, दूसरे में हम टी को इस साइड रख लेंगे, एक को इस साइड रख लेंगे। तो ये कंडीशन नोट होगी, डी यहाँ पे है और बी हमारा वहाँ यहाँ पे है, तो ये कंडीशन नोट हो चुकी है। उसके बाद देखिए हमें क्या बोला गया, देयर इज वन बर्थडे बिटवीन द बर्थडेज ऑफ ए एंड पी, ए और पी के बर्थडे में हमें एक बर्थडे दिया हुआ है। उसके बाद देखिए पी इज बर्थडे इज नॉट इन द सेम मंथ हैज़ डी, सो जिस मंथ में डी का बर्थडे होगा, पी का बर्थडे उस मंथ में नहीं आएगा। तो देखिए अगर एक छोड़ के इस साइड देखें, तो यहाँ पे तो जगह है नहीं पी के लिए, तो एक छोड़ के पी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अच्छा इस केस में देखिए एक छोड़ के पी यहाँ पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि डी के साथ मना किया गया, तो एक छोड़ के पी यहाँ पे आएगा, तो ये कंडीशन नोट होगी। उसके बाद देखिए मैं क्या बोला गया, देयर आर सेम नंबर ऑफ बर्थडेज बिटवीन टी एंड सी एज बिटवीन बी एंड क्यू, सो टी और सी में जितने बर्थडे आएंगे उतने कितने किस में आएंगे, बी और क्यू में आएंगे। तो इसको देखिए कैसे नोट कर देंगे, टी और सी में जितने हैं वो कितने आएंगे, किसके इक्वल होंगे, जो बी और क्यू में, तो ये कंडीशन नोट होगी। उसके बाद देखिए हमें क्या बोला गया, सी इज़ बर्थडे इज़ नॉट इन अप्रैल, सो सी का बर्थडे अप्रैल में नहीं होगा, सी यहाँ पर नहीं आएगा, ये हमने नोट कर लिया। उसके बाद देखिए हमें क्या बोला गया, क्यूज़ बर्थडे इज इन मंथ हैविंग 30 days, सो क्यू का जो बर्थडे है वो 30 days वाले मंथ में होगा, तो ये भी हमने नोट कर लिया। उसके बाद देखिए हमें क्या बोला गया, नो बर्थडे इज देयर बिटवीन द बर्थडेज ऑफ आर एंड ई, सो आर और ई के बर्थडे में कोई बर्थडे नहीं आएगा, सो देयर बर्थडेज आर इन डिफरेंट मंथ्स, सो उनके बर्थडे जो डिफरेंट मंथ्स में होंगे। तो देखिए आर और ई है जो, इनमें कोई बर्थडे नहीं आएगा, तो इसको हम कैसे नोट कर लेते हैं, इमीडिएटली बिफोर आफ्टर हो सकते हैं, तो इसको ऐसे नोट कर लिया। और जो है ये डिफरेंट मंथ में होंगे, तो डिफरेंट मंथ, तो ये कंडीशन नोट कर दी। उसके बाद देखिए मैं क्या बोला गया, इज बर्थडे इज एग्जैक्टली बिटवीन द बर्थडे ऑफ ए एंड एस, सो जो ए और एस के एग्जैक्टली बिटवीन होगा किसका, ए का बर्थडे, तो ये हमने नोट कर लिया। तो देखिए कंडीशन हमारी सारी नोट हो चुकी है। तो देखिए अच्छा इस केस में देखिए मैं क्या बोला गया, जो आर और ई का बर्थडे है वो इमीडिएटली आएंगे, बिफोर और आफ्टर हो सकते हैं दूसरे के, पर डिफरेंट मंथ में आएंगे, तो हमें दो जगह इकट्ठी चाहिए, पर वो डिफरेंट डिफरेंट मंथ की होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा तो ई के लिए जगह नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा तो ई यहाँ पे आ सकता है, और यहाँ पे दोनों इकट्ठे आ नहीं सकते क्योंकि सेम मंथ में नहीं आएंगे। तो देखिए आ या तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, ऐसे ई हमारा या तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, तो ये केस बन रहा है। अच्छा भाई क्या बोला गया, जो ई है वो एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड एस आएगा, तो देखिए अगर आर यहाँ पे आ गया और ई यहाँ पे आ गया, तो ए और ई में कितने आएंगे, 1, 2, 3, तो ई आ गया यहाँ पे, तो ए और ई में 3 आ गए। पर अगर ऐसे यहाँ पे बिठाएंगे तो 1, 2, बीच में 2 ही आ रहे हैं, तो ई यहाँ तो आ नहीं सकता। तो अगर ई को हम यहाँ पे रखते हैं तो 1, 2 छोड़ के ई आ रहा है, तो अगर एस को हम यहाँ बिठाएंगे तो 1, 2 छोड़ के ई आ रहा है, तो ई यहाँ पे आएगा और आर यहाँ पे आएगा, और एस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा उसके बाद देखिए हमें, जो बी और क्यू में जितने आएंगे उतने हमारे पास टी और सी में होंगे। तो देखिए अगर हमारे पास, अच्छा ये भी बोला गया है क्यू का 30 days वाले मंथ में होगा, तो देखिए क्यू यहाँ पे आएगा क्योंकि 30 days वाला सिर्फ यही बचा हमारे पास, 3 months हैं 30 वाले, ये है और ये है, तो ये दोनों मंथ तो हो चुके हैं, तो क्यू आएगा यहाँ पे, तो क्यू यहाँ पे आ गया। देखिए बी और क्यू में कितने, एक बर्थडे आ रहा है, एक आ रहा है एस का, तो टी और क्यू में, टी और सी में एक छोड़ के सी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये केस तो हमारा बन गया। अच्छा ऐसे देखिए इस केस में, देखिए हमारे पास अभी ए यहाँ पे है, अगर हम आर और ई यहाँ पे आ सकते हैं,
तो अगर आर यहाँ पे आएगा तो एक छोड़ के, एक दो छोड़ के ई यहाँ पे आ गया ए से, तो एस को कहाँ बिठाना पड़ेगा, यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, तभी एक दो छोड़ के ई आएगा, ए और ई एस के बीच में ई तभी बनेगा। अच्छा अगर हम ई को यहाँ पे बिठाते हैं तो एक छोड़ के यहाँ पे आ गया ई आ गया, पर एस को कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था जहाँ बी है, तो ये केस तो हमारा बनता नहीं है। तो यानी हमारा यहाँ पे आर आएगा और यहाँ पे ई आएगा, तो देखिए एक दो छोड़ के ई आ गया, तो एस से भी दो छोड़ के ई होगा, तो एस आएगा यहाँ पे एक दो छोड़ के ई आ गया। अभी क्यू आएगा यहाँ पे, तो क्यू यहाँ पे आ गया, देखिए बी और क्यू में कोई बर्थडे नहीं आ रहा, तो टी और सी में भी कोई नहीं आना चाहिए था, पर यहाँ पे एक बर्थडे आ रहा है पी का, तो ये वाला केस तो हमारा गलत हो गया। तो ये हमारी पजल बन चुकी है। सो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पजल की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।